एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने पहली बार में सीटेट परीक्षा को किस तरीके से पास किया है, साथ ही साथ मैंने किन बुक्स को रीड किया है। यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं आपको ऐसी नहीं बताऊंगी जो मैंने नहीं की है यहाँ पर। लेकिन मैं कुछ सजेशन आपको देना चाहती हूँ, अगर आपको 130 प्लस स्कोर करना है सो उनके लिए ये सजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको ये सजेशन ठीक लगते हैं तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, और आपको 130 प्लस स्कोर करना है तो ये बहुत ही जरूरी होगा। अगर मैं बात करूं कि मैंने किन बुक्स को रीड किया है, तो पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं किसी बुक को अच्छे से रीड कर पाऊं। तो इसके लिए ये था कि मेरा बेसिक जो है वो क्लियर था। मैं यूपी टेट का भी साथ में पढ़ रही थी, तो मेरे जो बेसिक थे जैसे सीडीपी के जो मेरे बेसिक थे बिल्कुल क्लियर थे। जैसे शुरुआत जो सीडीपी की होती है वो वृद्धि एंड विकास से होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से होती है। फिर उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो आप विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर आप संवेग पढ़ते हैं, क्रिएटिविटी पढ़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आने ही चाहिए, बिकॉज ये हमारे सीडीपी की मैं कहूंगी कि आधारशिला है। आपको ये पता होना चाहिए बाल्यावस्था कब से कब तक होता है, शैशवावस्था कब से कब तक होता है, किशोरावस्था कब से कब तक होता है, संवेग क्या होते हैं, मैकडूगल ने कौन से संवेग बताए। उसके बाद आप थ्योरीज पर आ जाते हैं, जैसे पियाजेट थ्योरी, कोलबर्ग हुआ, तो काफी सारी थ्योरीज आपको रीड करनी पड़ती हैं। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देती हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स जो सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं और उनका अगर बेसिक क्लियर है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी बुक को थरली रीड करें, क्योंकि इतना समय है भी नहीं है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, देन आपको बुक रीड करना ही होगा। ये बहुत जरूरी है चीज को समझना, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले मैंने जो किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही मल्टीपल टाइम रीड किया था। ऑनेस्टली मैंने यही किया था, और मैंने प्रैक्टिस जो है भरपूर की थी। प्रैक्टिस में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक से परचेज किया था टेस्ट, और उनको ही मैंने बार बार जो है अपना किया था। बार बार इन द सेंस कभी कभी जो मैं टेस्ट दे लेती थी मैं उसको भी जो है कभी पढ़ लेती थी, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मुझे मिल जाता था। बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हर तरीके के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। तो सीटेट की परीक्षा के लिए सबसे जो मूल मंत्र मैं कहूंगी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आपका प्रैक्टिस सेट। अगर आपने दोनों चीजें की हैं और अगर आपका बेसिक क्लियर है, देन आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, देन आपको बुक रीड करना चाहिए। उसके लिए आप एमसी ग्रॉयल की जो बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं। एमसी ग्रॉयल की बुक को जो है मैंने पर्सनली रीड किया हुआ है, तो उससे मुझे लगा कि ये एक ऐसी बुक्स का जो है कलेक्शन है, हर सब्जेक्ट का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। ये एक ऐसा बुक होता है जिसमें बिल्कुल सीटेट ओरिएंटेड मटेरियल दिया है, ऐसा कहीं से भी आपको भटकाया नहीं गया है। ये बेस्ट बुक बात है उन बुक्स की, बिल्कुल सीटेट ओरिएंटेड मटेरियल ही आपको दिया रहेगा, तो आप उनको थरली रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ उस बुक की एक और चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ये बुक जो है बहुत पतली है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास समय नहीं है और मैं इतना नहीं रीड कर सकता। जो टॉपिक आपको लगते हैं कि आपको रीड करना चाहिए, देन यू गो फॉर इट। तो आप वो बुक परचेज कर सकते हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक मिल जाएगी। अगर आपको सारे सब्जेक्ट नहीं परचेज करना है, देन आप सिर्फ सीडीपी का परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी परचेज नहीं करना, देन डोंट वरी, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी, साथ ही साथ जो एमसी ग्रॉयल की जो बुक्स हैं उनमें जो पीछे प्रैक्टिस दी गई है, मैं आपको एक मैराथन वीडियो दूंगी जिसमें आपको जो है सीडीपी का सारा प्रैक्टिस मिल जाएगा। मैं आपको एक और मैराथन दूंगी जिसमें आपको ईबीएस कवर हो जाएगा। ऐसे करके मैं आपको 5-6 मैराथन दूंगी जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट एक एक करके कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको बुक नहीं भी खरीदना है तो भी आपके पास ऑप्शन है। सो मैं बस इतना ही बताना चाहती थी कि अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आपको जरूरत नहीं है किसी बुक को अच्छे से रीड करने की, बस आप मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रीड करें एंड देन आप प्रैक्टिस करें। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, देन आपको बहुत जरूरत है बुक को रीड करने की। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि इस चैनल से आप कुछ नया सीख रहे हैं, देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।